महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, मेरे भारत की बेटी सम्मान समारोह और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हुआ संपन्न। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट रिलीफ रोड पर एच के कॉलेज में तारीख 27 जनवरी 2024 को कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महिला महासचिव भावना जैन द्वारा मेरे भारत की बेटी सम्मान समारोह और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं और सभी महिलाओं को कुमकुम का टीका लगाकर विशेष सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेहमानों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा, महासचिव भावना जैन, मुंबई की श्रेणी महिला अध्यक्ष वर्षो कायकवाड़, गुजरात की श्रेणी कांग्रेस सेक्रेटरी सोनल पटेल, संजय निरुपम, AICC सेक्रेटरी महेश मलिक, आमदार असलम शेख और कांग्रेस के कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक पार्टी के साथ गीत संगीत का भी विशेष कार्यक्रम किया गया और मेहमानों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सभी महिलाओं ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कांग्रेस की बोलबाला जरूर हो सकती है। मणिपुर जैसे शहरों में महिला पर हुए अत्याचार का भी विरोध किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आणि काय विशेष काय आहे जरा सांगा। आज मी भारतची मुलगी आहे, ठीक आहे, म्हणजे मी भारतची बेटी हूँ। हा कार्यक्रम याठिकाणी आयोजित केलेला आहे, भावनाजींचं खूप धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त करते। आज भारताच्या मुलींना खरंच प्रश्न पडलाय की आम्ही जर मणिपूरमध्ये आहोत तर मणिपूरमध्ये काय परिस्थिती आहे, मी सांगायची गरज नाही। त्या ठिकाणी जी महिलांची लग्नधिंड काढली झाली, जी दुर्दैवाची गोष्ट आहे, पण देशाच्या पंतप्रधानांनी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष हरियाणाच्या मुली ज्या देशासाठी पदक आणतात आपल्याकडे आदिवासी महिलांच्या गायकवाड मोठ्या प्रमाणामध्ये जर बघितलं तर महिलांच्या सगळ्या योजना ज्या आहेत आणि दुर्दैवाने आतापर्यंत महिला मंत्री पण नव्हती राज्याला, ज्या वेळापासून हे सरकार आले बीजेपीच्या माध्यमातून एक महिला मंत्री नाही, शिवसेना एकनाथ शिंदेंना दिली नाही, अदरवाईज महिला मंत्री पण नाही। महिलांबद्दल बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही। ज्या ज्या महिला प्रश्नाबद्दल आपण प्रश्न विचारतो, दुर्दैवाने त्यांच्या ज्या मंत्री रस्त्यावरती बसून सांगत होत्या गॅसच्या किमती बाबत, आज त्या बोलायला तयार नाही। मणिपूर बद्दल बोलायला तयार नाही। मुंबई आणि आज मराठा आंदोलनाला मराठा आरक्षण मध्ये दिलेला आहे, आता तुमचं काय म्हणणं काय? हे मराठा आरक्षण तर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या आधी व्हायचे, काँग्रेस आघाडी आणि एनसीपी असताना मराठा आरक्षण आम्हीच दिलं। आज त्यांनी जे केलेले हे कळू आवश्यकता नव्हती ना, परंतु जी भूमिका आज दिली ती आधी पण मोठ्यासाठी होती। आणि हे आरक्षण मैम क्या कहना चाहेंगे, आज महिलाओं के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, आप भी गुजरात से हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो नवनियुक्त प्रमुख है अलका लांबा जी आई है, भावना जैन जो यहाँ की लीडर है, वर्षा गायकवाड़ी जी जो यहाँ की प्रेसिडेंट है, और बहुत सारे लीडर्स और महिला लीडर्स और कार्यकर्ताओं के बीच ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे जैसे हल्दी कुमकुम का भी प्रोग्राम चलता है महिलाओं का, एक तरह से स्वागत का, तो हम लोगों ने महिलाओं का स्वागत का और भारत की जो बेटी है उसको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया है कि बहुत सारे घर्षण से महिलाएं जो बाहर निकलती हैं उन लोगों को
महिलाओं द्वारा ही सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है और इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के बीच में पहुंचना चाहते हैं। किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया और आगे आने वाले दिनों में क्या रणनीतियाँ रहेगी कांग्रेस के लिए? हम लोग महिलाओं को ही नहीं, सारे महिला कांग्रेस और सारे हमारे फ्रंटल्स और दूसरे लोगों को मिलकर अभी हमारा काम शुरू है और सबको मिलकर हम लोग जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन और एमपीयू की तरफ से सारी मैम, जैसा कि आज महाराष्ट्र के अंदर में दो शेरनियाँ मिली थी, जैसा कि आप गुजरात की शेरनी है और वर्षा गायकवाड़ जी मुंबई की शेरनी है, तो दो शेरनी मिलकर यहाँ पर क्या डबल इंजन की सरकार का खात्मा कर पाएंगे? ये तो नारी शक्ति, जो कांग्रेस हमेशा नारी शक्ति को आगे लाती है, ये सौभाग्य है कि वर्षा जी प्रेसिडेंट है, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, तो हम मिलकर, मैंने जैसे आगे भी बोला, कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू। भूषण शरण को बचा रहे हैं और साक्षी मलिक को न्याय नहीं है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करते हैं लेकिन बिल्किस बानो को न्याय नहीं है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र PHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा का सामूहिक बलात्कार करने वाले तीनों भाजपा के जो है नेता है IT सेल के, प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है तब FIR हो रही है लेकिन कार्रवाइयां नहीं हो रही, तो ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा देकर धोखा करके आज अपने अपराधियों को बचा रही है और इस लड़ाई को अन्याय के खिलाफ आधी आबादी के हक अधिकार 33% आरक्षण कानून बन गया है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये अधूरा है न्याय का हक और ये लड़ाई न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी, ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी। जब मैं महिलाओं को संबोधित कर रही थी, आप सब यहाँ, कि महिलाओं को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नारी न्याय के नारे के साथ जो शुरू हुई है उसका बेसब्री से इंतजार है। 20 मार्च 2024 को ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर करके मुंबई। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।